सो हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अपनी यूट्यूब स्टोरी के बारे में या फिर यूट्यूब जर्नी के बारे में एंड हाउ आई बिकम मिलीनियर। और एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि स्टोरी अचानक ही मेरे माइंड में आई कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ मैं अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो शेयर करूँ और कैसे मैंने जो है यूट्यूब स्टार्ट किया और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मुझे यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे हूँ। उतना अभी ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ हूँ मुझे ऐसा लगता है लोगों की नज़रों में, लेकिन हाँ वक्त के साथ मैंने सीखा बहुत कुछ है। सो सबसे पहले बात करते हैं माई यूट्यूब जर्नी के बारे में कि हाउ आई स्टार्टेड। तो यूट्यूब आई वुड से मुझे लगता है कि 2009 से आई वुड से नहीं 2008 से मैं क्या है कि यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ। 2007 या 2008 से आई वुड से कि जब से मैंने क्या है यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है कि गूगल पे मैं कुछ सर्च कर रहा था तो सर्च करते करते यूट्यूब का लिंक आया और मुझे कोई वीडियो देखनी थी और मैंने क्लिक किया, यूट्यूब वीडियो प्ले होने लग गई। तो उस वक्त जो मुझे यूट्यूब का जो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा लगा कि हम कोई भी वीडियोस पे देख सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब पे सर्च करता था किसी चीज़ के बारे में या फिर गाने के बारे में, क्योंकि 2008 की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली लोग गाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। तो उस वक्त गाने सर्च करते थे तो गाने मोस्टली मिल जाया करते थे। तो उस वक्त क्या है कि यूट्यूब चलाना सीखा मैंने थोड़ा बहुत, और चलाते 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 क्या हुआ कि जब उस एप्लीकेशन को मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने लग गया तो उसमें पता चला कि हम ना अपनी वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो होता क्या था कि मैं दिल्ली में रहा करता था उस वक्त, तो दिल्ली में होता क्या था ना कि इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा उस वक्त, या दिल्ली में का मोस्टली जगहों पर कहूँगा कि इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था। सो उस वक्त क्या होता था कि 25 रुपये का आइडिया का रिचार्ज होता था, उसमें फिर अनलिमिटेड आप एक दिन के अंदर यूज़ कर सकते थे। या फिर स्टार्टिंग में तो मैं कहूँगा कि मैं साइबर कैफे पहले जाता था, वहाँ पे मैं 15 रुपये एक घंटे के देता था और उसके बाद मैं गूगल वगैरह सर्च करता था और ये यूट्यूब वगैरह देखा करता था वीडियोज़ वगैरह। तो कुछ समय बाद 2008 में मैंने पहला अपना स्मार्टफोन लिया, स्मार्टफोन तो नहीं कहूँगा मतलब जावा बेस्ड फ़ोन था वो, और नोकिया का 6270 2008 के अंदर। और उस वक्त पे हालांकि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन था वो, 2 मेगापिक्सल उसके अंदर कैमरा था और कैमरे क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी थी और ब्राउजिंग वगैरह हो जाया करती थी उसके अंदर। तो वो मैंने खरीदा, उसके बाद फिर मैंने उसमें नेट चलाना स्टार्ट किया। नेट चलाने के बाद जब मैंने यूट्यूब को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो उसमें पता चला कि उसमें हम एक ऑप्शन आता था कि आप अपलोड कर सकते हैं, यानी आप अपनी वीडियोज़ को अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार वीडियो को अपलोड कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। तो हुआ क्या कि शायद मेरी जो पहली वीडियो थी मुझे इतना याद नहीं है, एक वीडियो थी शायद मेरी बहन गई थी एक जगह तालकटोरा स्टेडियम, वहाँ से ऑडिशन चल रहे थे, सिंगिंग के ऑडिशन चल रहे थे। तो एक मैंने उसको कैमरा, हम लोगों ने 2008 में मैंने कैमरा परचेज किया था और फ्यूजी फिल्म का, तो उससे वो रिकॉर्ड करके लाई थी एक सिंगर का ऑडिशन। तो उसको मैंने कहा रुको जरा इसको डालते हैं, तो मैंने उसको अपलोड किया और उस पर मतलब ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आया क्योंकि उस वक्त उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर कुछ समय बाद फिर मैंने एक वीडियो अपलोड करी, हुआ क्या कि मैं दिल्ली मेट्रो से जा रहा था सुबह सुबह के टाइम पे, तो वहाँ पे मैं वॉकिंग का एक वीडियो था मेरा, तो उसको मैंने अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर। और उसमें होता क्या था ना कि पहले चीज़ों को सर्च करना बहुत आसान था, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था कि जैसे वो वीडियो मैंने अपलोड किया उसका जो टाइटल डाला मैंने राज प्रसाद डाला, तो होता क्या था ना कि अगर किसी को दिखाना होता था ना कि यार देखिए यार मेरी वीडियो ना यूट्यूब पे है, तो उस पर राज प्रसाद सर्च करते सबसे पहले मेरी वीडियो आती थी। तो कई सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कहते यार मेरी भी वीडियो डाल दे। तो एक बंदा रहता था हमारे यहाँ रेंट पे, तो हुआ क्या कि उसकी मैंने एक वीडियो बनाई और सेम उसी के नाम से मैंने अपलोड करिया यूट्यूब पे। तो होता क्या था ना कि मैं उसको मैं दिखाने के लिए कि हाँ जब भी आप अपना नाम सर्च करोगे तो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम पहली वीडियो आपकी आएगी। तो पहले क्या होता था ना यूट्यूब पे चीज़ों को सर्च करना बहुत ज़्यादा आसान होता था, क्योंकि वीडियोज़ उस वक्त पे अगर मैं बात करूँ 2008-2009 की तो वो बहुत ही कम वीडियोस हुआ करती थी। तो ऐसे चलता रहा, वीडियो अपलोड किया, मतलब उस वक्त इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मतलब यूट्यूब से मोनेटाइजेशन भी होती है, मोनेटाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है, यूट्यूब से हम पैसा कमा सकते हैं। तो 2-3 साल तक क्या हुआ कि ऐसे चलता रहा, कभी कभार कोई मैंने वीडियो अपलोड बनाई तो अपलोड कर दिया इसलिए कि ताकि लोग उसको देखें। लेकिन पहले के टाइम होता क्या था ना कि हम जब वीडियो अपलोड करते थे लोग इतना ज़्यादा देखते नहीं थे, रीज़न ये भी था कि नेट इतना ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था कि कौन यूट्यूब चलाए। तो
ऐसे चलता रहा, 3-4 साल ऐसे हुए, 11-12 हो गया, 10-11 के आसपास का टाइम आ गया, फिर मेरे पास फ़ोन भी चेंज हुआ। फिर 11-12 के आसपास क्या हुआ कि जब मेरे कॉलेज ख़त्म हुए तो घर पे खाली बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ किया जाए, तो YouTube ऐसे चलाते चलाते देखा कि ये चीज़ तो यार मोनेटाइजेशन भी हो रही है, यानी वीडियो आपकी वीडियो पे आपके एड्स भी आ रहे हैं और चैनल जो होता है मोनेटाइज भी होता है और इसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं। सो मैंने क्या किया कि वीडियो फिर डालना मैंने स्टार्ट किया। तो होता क्या था कि उस वक्त इतना ज़्यादा मेरे पास इक्विपमेंट नहीं होता था कि मैं बाहर जाऊँ ट्रैवलिंग की वीडियोज़ बनाऊँ, हालांकि मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ था शुरू से ही। जो पहला मैंने कैमरा खरीदा था फ्यूजी फिल्म का, वो स्पेशली मैंने ट्रैवलिंग के लिए खरीदा था कि घूमने जाऊँगा तो फ़ोटो खींचूँगा। तो 2011-12 का जब समय आया, जब देखा कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो फूड का मुझे बड़ा शौक़ था, तो हमारे घर के पास में मार्केट थी, वहीं पे मैंने क्या किया, एक मैंने फूड व्लॉग शूट किया। मतलब उतने अच्छे से तो नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और मैंने किसी को देखा भी नहीं था, बस मेरे माइंड में आया कि आज इसका मोमोज वाला है एक हमारे यहाँ, तो उसकी मैंने एक वीडियो शूट करी और उसकी वीडियोज़ पर व्यूज़ चले गए 5,000। तो मैंने सोचा यार लोग तो इतने ज़्यादा देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, क्यों ना कुछ और बनाया जाए। फिर क्या हुआ कि फिर मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाने लगा, कहीं किसी स्ट्रीट फूड के ठेले पर चला गया वहाँ बनाया, और कुछ मैंने टेक्स से रिलेटेड भी वीडियोस बनाए, तो बनाते चला गया। बनाते 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 हुआ यहाँ कि अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइबर हो गए। 2013-14 की बात है, तो 2012 से शायद मैंने स्टार्ट किया, 13-14 तक मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे एट दैट टाइम। मतलब 25,000 के आसपास, नहीं 20-25,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। और तो सब्सक्राइबर हुए तो हुआ क्या ना कि मेरी पेमेंट आने वाली थी, क्योंकि 20-25 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरे $80-90 के आसपास थे, और जैसी मतलब इस महीने पेमेंट नहीं आ पाई और नेक्स्ट मंथ पेमेंट आने वाली थी, और बस एक महीने के अंदर अंदर अब उससे कि मेरे हो गए थे करीबन $1,100-1,200। तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि यार $1,200 के आसपास पैसा आने वाला है, यानी 1,270-1,272 रुपये का, तो 1,284 करीबन 80-85,000 रुपये का मेरा अमाउंट बन चुका था। तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मतलब यार पैसा आने वाला, ये वो फलाना ढिमकाना। तो घर पे में मैंने कई मम्मी से बात करी, बहन से बात करी कि मैंने यूट्यूब पे पैसा कमा रहा हूँ ये वो, तो मतलब वो लोग भी कहते थे कि मतलब ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, इन सब बातों पर यकीन नहीं कर, जब तक पैसा नहीं आ जाता हम लोग यकीन नहीं करने वाले। तो हुआ क्या कि उस वक्त मेरे साथ ऐसी इंसिडेंट हो गया जिसके बाद मैं क्या है कि बिल्कुल अंदर से टूट सा गया। हुआ क्या कि 21 तारीख, अभी भी मुझे वो दिन याद है कि शायद 22 तारीख के आसपास उस वक्त पेमेंट आया करती थी, शायद उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, शायद जो कि मैंने YouTube पे देखा था, ठीक है। तो 21 तारीख को अचानक क्या होता है कि वो जो मेरा चैनल है उसकी जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाता है, यानी चैनल ही जो एडसेंस अकाउंट हम लॉग इन करते हैं तो वो लॉगिन ही बिल्कुल शो नहीं कर रहा था कि यू आर नॉट अनेबल टू लॉग इन, और मेरा एडसेंस अकाउंट ही डिसेबल कर दिया गया था और मेरा यूट्यूब चैनल पर मतलब मोनेटाइजेशन हटा दिया गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करके इतना ज़्यादा पैसा कमाया और वो है कि चैनल और एडसेंस डिसेबल हो गया। उसके पीछे मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब की गलती थी, यूट्यूब ने गलत किया मेरे साथ, कि मैंने कई बार ऐसा किया कि दूसरों का कंटेंट उठा के रखा अपने चैनल पे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था, मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि हम खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार YouTube है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपको पे कर रहा है, तो वो ये नहीं कि आप दूसरा कंटेंट उठा कर डाल लो और उस पे के लिए उसके लिए उस पर एड चल रहे हैं उसके लिए आपको पे करें। तो लेकिन एक सेकेंड, हाँ हेलो, जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ गलतियां मेरी थी, लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि मुझे उतना ज़्यादा उसको नहीं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो रीज़न दिया YouTube ने कि यू आर यूजिंग अ बॉट, क्योंकि बात ये थी ना कि एक एक दिन के अंदर जो मेरी इनकम हुआ करती थी वो अराउंड $100-112 मेरी पर डे की जो इनकम है वो हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनको ऐसा लगता था कि मैं किस तरह का बॉट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अचानक ही मतलब आप यकीन नहीं करेंगे एक महीने के अंदर से मेरे $80 और दूसरे महीने के अंदर कितने $1,200, समझ रहे हैं बात को।
यानी पर डे $100 की मेरी इनकम हो गई थी। तो शायद मुझे ऐसा लगा, यूट्यूब को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तरीके का बॉट यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न उन्होंने यही बताया कि मतलब मैं किसी तरीके का बॉट यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका जो चैनल है वो सस्पेंड कर दिया गया। तो 2015 के आसपास की ये बात है, 15 के आसपास की बात है। तो उस वक्त क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गया, मतलब YouTube से मेरा बिल्कुल भरोसा ही उठ गया कि अब यार अब YouTube पे काम नहीं करना है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, और वही एक रीज़न रहा कि मतलब मैंने हार मान लिया और YouTube पे मैंने काम नहीं किया। और लोग उसके बाद से आए और मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए। ऐसा नहीं है कि मैंने इन सालों में 5-7 सालों में बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। और ऐसा नहीं कि मैं कई ऐसे जो अभी सक्सेसफुल क्रिएटर उनसे बढ़िया काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है कि मैंने अपनी लाइफ में हार मान ली, और इंसान को कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। इंसान को कितने भी ठोकर लगे, कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन उसको उठ के दोबारा चलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सक्सेस की सीढ़ी पर पहुँच पाएंगे। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि ठोकर लगेंगी, गिरेंगे आप, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। तो वह मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त जब मैं टूट सा गया, मेरे करीबन $1200 चले गए, बहुत मेहनत आधी तो मेरी मेहनत थी, लेकिन आधा मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलती नहीं करी, मैंने गलती करी, लेकिन जो भी थी ओवरऑल किया था कि मुझे उस वक्त अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था कि हाँ मैंने ये चीज़ गलती करी, इसको मुझे अगेन दोहराना नहीं है, अगेन उसको रिपीट नहीं करना है, मुझे ये चीज़ करना चाहिए था। लेकिन मैं गलती करी कि मैंने YouTube को बिल्कुल छोड़ दिया कि नहीं मुझे YouTube नहीं करना है। और शायद मैं कहूँगा कि 2-3 साल तक फिर मैंने YouTube को नहीं छुआ, मतलब 2015 से मैं कहूँगा 2017-18 तक मैंने YouTube दोबारा ज्वाइन चालू नहीं किया, या फिर YouTube पे वीडियोस नहीं बनाता रहा। फिर हुआ क्या कि 2018 में अचानक हुआ बात ये देखिए YouTube एक ऐसी चीज़ है, या वीडियो YouTube तो नहीं कहूँगा, वीडियो मेकिंग ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, YouTube रहे ना रहे, लेकिन वीडियो मेकिंग का जो मेरे माइंड में कीड़ा है वो कभी शायद नहीं निकल सकता है। तो 2018 के आसपास क्या हुआ कि मैं अपने होम टाउन बलिया में आया। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मैं सर्च करता था कि यार बलिया में कुछ खाने का अच्छा मिल जाए, बलिया में कुछ घूमने का अच्छा मिल जाए, बट वो चीज़ें मेरे को नहीं मिलती थी। तो यार मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब बनाया जाए यहीं पे ही। हालांकि वही बात थी कि 2-3 सालों में इन सब चीज़ों को मैं भूल चुका था, तो शायद मैंने सोचा कि चलो ठीक है दोबारा काम करते हैं। तो फिर मैंने 2018 के आसपास बलिया में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, फूड ब्लॉग बनाया मैंने, मतलब मंदिर वगैरह दिखाए, मोस्टली जो चीज़ें थी वो मैंने बलिया में दिखाने लगा। तो लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया, मतलब पर्टिकुलरली मैं कहूँगा बलिया के लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है बलिया की कोई वीडियोस है तो उसको बलिया वाला ही देखेगा, बलिया से बाहर वाला शायद नहीं देखना पसंद करेगा। लेकिन ये चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। एक चीज़ और मैं बात कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान वक्त के साथ सीखता है, और मैंने वो सब चीज़ें सीखी वक्त के साथ। कि अपने YouTube करियर में मैंने ये बात ज़रूर नोटिस करा कि आप ज़िंदगी में कितनी बार क्यों ना गिरें, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहती हैं तो। अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब सॉरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल नहीं होता है, या तो वो सीखता है, वही कह रहा हूँ कि लाइफ में कोई भी इंसान फेल नहीं होता है, या तो वो सीखता है या फिर वो जीतता है। तो मैंने चीज़ों को बहुत सीखा, और अभी भी मैं यही मेरे माइंड में यही रहता है कि यूट्यूब को मैं हमेशा करूँगा। यूट्यूब को शायद अभी तक मेरी मैंटेलिटी यही है कि शायद मैं यूट्यूब को पैसों के लिए उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मैं कोई और चीज़ करता हूँ, जो कि मैंने पहले बताया अभी आपको स्टार्टिंग में बात कही थी कि हाउ ये वीडियो होने वाली है मेरी यूट्यूब जर्नी के ऊपर और कैसे मैं मिलीनियर बना। तो 2018 के बाद की वीडियो में बनाना स्टार्ट करने लगा, ऐसे बनाते बनाते लोगों बलिया के लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं रेगुलर वीडियो बनाने लगा बलिया में, तो बहुत सारे अलग अलग जगह से मैसेज आने लगे। और आई वुड से कि जो बलिया के लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, चाहे वो यूके में, कनाडा में, इंडोनेशिया में, यूएसए में, कंबोडिया में, तो वो लोग मुझे फिर मैसेज करने लगे कि सर हम आपकी यहाँ की वीडियोस देखते हैं, हमें आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एट दैट टाइम क्या होता था, मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता था, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी भी ऐसा नहीं होता है कि कई जगह मैं जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं कि यूट्यूब की वजह से। लाइट चली गई तो, लेकिन अपनी वीडियो नहीं रुकने वाली है।
एक सेकंड रुकिए, जरा इन्वर्टर ऑन करवा देता हूँ मैं। सो वीडियो बनाते चला गया, लोगों ने काफी पसंद किया। करते करते हुआ क्या ना कि इन्वर्टर ऑन कर दो, लाइट नहीं है। सो ये चीजें चलती रही और उसके बाद बलिया में अभी मैं यूट्यूब बनाने लगा, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा। तो फिर एक साल बाद के आसपास यही वक्त था ददरी मेरा, जब मुझे राहुल मिले। राहुल भी अच्छा बंदा है, मतलब मोटिवेट करता रहता है कि जब मैं कभी कभी होता है क्या ना कि देखिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन वीडियोस बनाने के अलावा मेरे और भी काम है, और उस काम से जो मेरी मेन इनकम होती है मेरी उसी काम से होती है। यूट्यूब से अगर देखा जाए तो अभी तक मैं मोस्टली देखा जाए तो 2014-15 के बाद जब मेरे $1200 के आसपास कमाए, तो उसके बाद से अभी तक मैंने यूट्यूब पे उतना ज़्यादा मैंने पैसा नहीं कमाया है। वास्तविकता देखा जाए तो कई लोगों को लगता है कि व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, पैसा मैं कमाता हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि यूट्यूब पर भी उतना ज़्यादा मैंने पैसा नहीं कमा पाया हूँ। लेकिन हाँ, यूट्यूब के अलावा मैं काम करता हूँ, उससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिससे ही मैं यूट्यूब के जितने भी इक्विपमेंट है वो खरीदता हूँ। और स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि मुझे इक्विपमेंट का या फिर गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक रहा। तो फर्स्ट टाइम आज से 4 साल पहले मैंने कैनन का 200D खरीदा, इसी से मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। और कभी आप कमेंट करेंगे तो मैं अपनी जितने भी एक्सेसरीज है क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब बनाने के लिए वो बताऊँगा। तो हाँ, अब 2019 के आसपास की बात होगी, 2018 में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, 2019 के आसपास की बात होगी, राहुल मिले जो कि वो भी बलिया से वीडियोज़ बनाते हैं। तो पहले जो उनकी वीडियोज़ की क्वालिटी थी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे तो उन्होंने भी इम्प्रूव किया। तो वही वाली बात कहना चाहूँगा, राहुल मिले, फिर राहुल के साथ कई बार ऐसा कई सारी वीडियो बनी, फूड ब्लॉग्स बने। फूड ब्लॉग जो बलिया के अंदर मेरा जो फूड ब्लॉग है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की वीडियोस बनाइए, वहाँ की वीडियोस बनाइए। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, मेरे को फूड ब्लॉग उतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता है। लोगों को बेशक अच्छा लगता होगा मेरा फूड ब्लॉग, लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा बनाने का मेरा मन नहीं करता। कभी कभार बना लिया, लेकिन रेगुलरली और फूड ब्लॉगिंग के फील्ड में घुसने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा जो मेन था कि मुझे ना ट्रैवल ब्लॉगर करना है, ट्रैवलिंग ब्लॉग करना है, क्योंकि घूमने का मेरे को शुरू से शौक रहा है। मैं शुरू से बहुत ज़्यादा घूमना मुझे पसंद है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं घर से झूठ बोल के गया हूँ कि मैं जा रहा हूँ दोस्त की बहन की शादी में, और मैं चला जाता था घूमने के लिए। मैं कहूँगा कि पहला जो मैंने ट्रिप किया था अपनी लाइफ का, जो कि अकेले किया था, मतलब अपने दोस्तों के साथ, वो किया था आगरा का, दिल्ली टू आगरा। और दूसरा जो ट्रिप था मेरा अजमेर का था, अजमेर शरीफ का, जो कि दूसरा ट्रिप में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है बाबा, तो मेरे घर वाले उसको जानते थे अच्छे तरीके से। तो हुआ क्या ना कि मैंने सोचा यार 2 दिन जाना कैसे घर से बोल के जाए, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा छोटा भी था। तो उस वक्त मैं बोल गया था कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है, मैं जा रहा हूँ शादी अटेंड करने के लिए, तो 2 दिन मेरे को टाइम लगेगा। तो घर से 2 दिन की छुट्टी लेके गया था। तो मतलब इस तरीके से मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक रहा है शुरू से, तो अभी भी मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग ही करना चाहता हूँ। लेकिन द रीज़न बिहाइंड कि ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करने का शौक तो है, लेकिन जो मेरा मेन, अगर मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ तो मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके लिए क्या है कि वो छोड़ के ट्रैवल ब्लॉग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को पैसों को लेकर या फाइनेंशियल मेरे को दिक्कत आ जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने प्लान किया कि नहीं यार, जहाँ से मेरा एक बार पैसा आ रहा है उसको शायद मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि शायद वही एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें चल रही है। मेरा YouTube का इक्विपमेंट खरीदा रहा है, मेरा खाना पीना चल रहा है, और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको छोड़ना शायद समझदारी नहीं रहेगी। तो जैसे कि आपको सभी लोगों को पता ही है कि मेरा पहले आपने वीडियोज़ देखी होगी, तो मैंने सिक्किम का ट्रैवल भी किया राहुल के साथ, जो कि बहुत अच्छा रहा। राहुल के साथ जो मेरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहा वो भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ समय में राहुल के साथ वीडियो भी बनाने वाला भी हूँ, और आएगी भी राहुल के साथ वीडियो। तो मेरे माइंड में ये था कि नहीं यार, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बलिया में रहता हूँ अभी फिलहाल। तो बलिया में रहने से होता क्या है कि बलिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और या फिर बलिया की चीज़ें हैं भी, सो वो सिर्फ बलिया के लोग ही देखेंगे, आसपास के जो शहर वाले हैं, जिले वाले हैं, वो शायद उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया कि व्लॉगिंग करते करते बलिया के अंदर, क्योंकि उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं उस वीडियोज़ में। फिर जब व्यूज़ नहीं आते तो आदमी, कोई भी व्यक्ति डीमोटिवेट हो जाता है। तो यही रीज़न रहा कि कई बार मैं अनरेगुलर हो गया वीडियोज़ बनाने के लिए यूट्यूब पे। कई बार आपने देखा होगा कि एक समय मैंने रेगुलर वीडियोज़ बनाई जब मेरे पास टाइम हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, 1.5 साल से मेरे पास इतना टाइम नहीं है
कि मैं अपना मेन काम छोड़ के मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाऊं। सो मैं मेन काम पे अपने स्टिक हो गया और उसके लिए मेरे पास मेन प्रॉब्लम है कि ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि ट्रैवल व्लॉगिंग शायद अभी कुछ समय के लिए रोक देना पड़ेगा जब तक मेरा यूट्यूब थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाता, या फिर यूट्यूब पे अगर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर या फिर ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाती है, इन दैट केस मतलब सोचूंगा कि हाँ ठीक है अभी जहाँ से पैसा आ रहा है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए और फिर ट्रैवल व्लॉगर पे फोकस किया। लेकिन अभी मेरी वो स्थिति नहीं है कि जो मैं अपने मेन काम को छोड़ के मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग पे फोकस करूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि ट्रैवल व्लॉगिंग के अलावा और भी मेरे पास काम है, जैसे कि मैं कैमरे के सामने बैठ के बातें करूँ और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो मेरे माइंड में बात आई, फिर उसके बाद क्या है, मैंने एक छोटा सा स्टूडियो टाइप का खोलने का प्लान किया कि मतलब हाँ स्टूडियो टाइप का बनाता हूँ, उसके अंदर क्या होगा कैमरे सामने रखूँगा और उसमें क्या है कि मैं अपना मेन काम भी कर सकता हूँ और कैमरे के सामने रख के बातें भी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, और किस चीज़ की अनबॉक्सिंग है और इलेक्ट्रोटेक चीज़ें हैं उनके बारे में आप सभी लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी अच्छी है और इन सब चीज़ों का मुझे इंटरेस्ट भी है। सो अभी जो ये जो राजेश प्रसाद का जो चैनल है इस पे तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक बार एक ब्लॉग आ जाए, चाहे आसपास से कहीं का भी आ जाए, या जो भी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी होगी अपनी लाइफ के बारे में आई वुड शेयर विद यू। और यही था अभी तक का मेरा यूट्यूब का जर्नी। और मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने करी शायद आप मत करिए, कि मैं गिर के उठा नहीं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2015 में अगर मैं गिर के अगर दोबारा उठा होता, दोबारा मैंने सोचा होता कि नहीं चलो कोई बात नहीं, चैनल डिलीट हो गया, चैनल सस्पेंड हो गया या एडसेंस सस्पेंड हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मुझे दोबारा यूट्यूब करना है, और शायद मैं उस वक्त से 2015 से अगर यूट्यूब अभी तक कर रहा होता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर होते या फिर अभी मुझे काफ़ी सारे लोग जान रहे होते या फिर मेरे कंटेंट की क्वालिटी अभी बहुत ज़्यादा आगे चली गई होती। ठीक है, तो शायद ये मैंने गलती करी और आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की गलती मत करिएगा आप अपनी लाइफ में। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके साथ किसी भी तरीके का वो हो जाता है कि आपका चैनल सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया है या एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया, आप हार मत मानिए। जो इंसान लाइफ में हार मान लेगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इंसान कभी हारता नहीं है लाइफ में, हमेशा या तो सीखता है या तो जीतता है। तो ये थी मेरे यूट्यूब की स्टोरी। और इसके अलावा कुछ समय में मैं क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए, और वो चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि अभी देखो मुझे लगता है 25-34 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, हालांकि वीडियो अनकट जाने वाली है, मैं इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी। इस वीडियो से आपको ये चीज़ सीखना है कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना है और आपको काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। अभी मैं कुछ समय से मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया था क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार हार नहीं माननी है, YouTube पे जब तक सक्सेसफुल नहीं होना है तब तक इस वीडियोस को बनाना छोड़ना नहीं है। तो यही थी माय YouTube स्टोरी और हाउ आई बिकेम मिलियनेयर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो फिर अच्छे से जानते हैं। सो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वीडियो को ख़त्म करने का सही वक्त है, क्योंकि 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ समय में आपको ददरी मेले की वीडियो आने वाली है तो वो ज़रूर देखिएगा, नाहन की वीडियो है ददरी मेले की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और बाय बाय।